जी हाँ दोस्तों, आखिरकार तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 टीम में 5 भूखे शेरों की तो वापसी हो ही चुकी है और साथ में उन खिलाड़ियों को भी टीम में आज मौका दे दिया है जिनका ख्याल आपको सपने में भी नहीं आया होगा। तो आखिरकार किन खिलाड़ियों को किया गया है शामिल, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम तीसरा T20 मैच आज जीत पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो अभी इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि विशाखापट्टनम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज खेला जाएगा और ऐसे में लगातार 2 मैच हारने के बाद भारतीय प्लेइंग 11 टीम में बदलाव तो संभव है ही और साथ में दोस्तों कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार अब टीम में कप्तान और कोच मिलकर कौन से खिलाड़ियों को मौका देंगे, क्योंकि हम सभी ने जैसा कि देखा कि पहले T20 मुकाबले में अगर भारतीय टीम को हार मिली थी तो वो बस मात्र अपनी गेंदबाजी की बदौलत, तो वहीं दूसरे T20 मैच में गेंदबाजी तो भारत की अच्छी थी लेकिन बल्लेबाजी में भारत ने वो कमाल कर नहीं दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों अब क्या रहेगी सही प्लेइंग 11 टीम, इसके ऊपर एक बड़ा खुलासा हो चुका है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आज तीसरा T20 मुकाबला जो मंगलवार को खेला जाएगा वो YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम में होगा, जहां ये मैच आप सभी शाम 7 बजे से देख सकोगे लाइव। तो वहीं आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आज भारत की कौन सी प्लेइंग 11 टीम खेलती हुई नजर आने वाली है और किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है और कौन से खिलाड़ी आप सभी को शामिल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 टीम को भारतीय टीम की तरफ से जारी किया गया है, जहां आप सभी को ओपनिंग करते हुए एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ही दिखाई देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां ऋतुराज गायकवाड़ पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। तो वहीं तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जाएगा। चौथे नंबर पर आप सभी को विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम में शामिल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों पांचवे नंबर पर हार्दिक पांड्या को टीम में एक बार फिर से जगह दी जानी तय मानी जा रही है। तो वहीं छठे नंबर पर दीपक हुडा को मौका दिया जाएगा। सातवें नंबर पर दिनेश कार्तिक आप सभी को खेलते हुए नजर आएंगे। आठवें नंबर पर उमरान मलिक खेलेंगे। नौवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार। तो वहीं दसवें नंबर पर आवेश खान को मौका दिया जाएगा और आप सभी यहां पर दोस्तों देख सकते हो कि हर्षल पटेल की जगह पर अब आप सभी को उमरान मलिक टीम का हिस्सा रहते हुए आज दिखाई देने वाले हैं तीसरे T20 मुकाबले के लिए। तो वहीं दोस्तों बात करें अंतिम नाम के बारे में, जो अंतिम नाम आज टीम के साथ जोड़ा गया है वो है युजवेंद्र चहल का, जहां युजवेंद्र चहल आप सभी को भारतीय टीम का हिस्सा रहते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज भारत की यही प्लेइंग 11 टीम होने वाली है जो कि साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ उतरेगी। तो ऐसे में दोस्तों इस प्लेइंग 11 टीम को देखने के बाद अब ये तो साफ हो चुका है कि भारतीय टीम आज का ये मुकाबला जरूर जीतने के इरादे से ही मैदान पर उतरने वाली है, क्योंकि अगर ये तीसरा मुकाबला भी भारतीय टीम के हाथ से गया तो भारत का इस सीरीज को जीत पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों भारत में अपनी नाक ना कटाने से बेहतर ये है कि आज ये मजबूत प्लेइंग 11 टीम ही मैदान पर उतरे। बाकी अब आप सभी के अनुसार कौन सी प्लेइंग 11 टीम ज्यादा बेस्ट है भारत के हिसाब से, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।